Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है टिक्का बिरयानी। ये बहुत ही यम्मी और स्पाइसी रेसिपी है। मुझे उम्मीद है ये रेसिपी आप सबको पसंद आएगी। अगर आप ये ऐसी बिरयानी बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए मेरे साथ हम स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने दो चिकन लिए हैं, मैंने एक चिकन के 8 पीस किए हैं। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे, जिसमें है लाल मिर्च 2 टेबलस्पून, चाट मसाला 1 टेबलस्पून, सॉल्ट टू टेस्ट, ज़ीरा पाउडर 2 टेबलस्पून, हल्दी 1 टेबलस्पून और कश्मीरी रेड चिली पाउडर 1 टेबलस्पून। इन सारे मसालों को हम चिकन में ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ रेड फूड कलर, ये 1/4 टीस्पून है। ये इस चिकन के लिए, इस बिरयानी के लिए रेड फूड कलर ज़रूरी है, ये ऑप्शनल नहीं कहूँगी मैं। यहाँ पे मैंने लिया है टिक्का बोटी मसाला, ये हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। ये है जिंजर गार्लिक एंड ग्रीन चिली का पेस्ट, ये सारा पेस्ट एक साथ करके मैंने 3 टेबलस्पून डाला है और हम इसमें ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून ऑयल। मैंने इसमें दही लिया है 340 ग्राम, टिक्का में दही ज़्यादा चाहिए हमें, इसीलिए हम इसमें 340 ग्राम डालेंगे। अब इन्हें हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, सारा मसाला हमारा चिकन पर कोट हो जाना चाहिए। ये देखिए मसाला हमारा अच्छे से चिकन पे लग गया है। अब हम इसे मैरिनेट करेंगे 4 से 5 घंटे के लिए। अगर आप ओवरनाइट भी करो तो वेल एंड गुड। हमारी चिकन मैरिनेट हो गई है, अब हम इसे फ्राई करेंगे, जिसके लिए मैंने पैन में डाला है 3 टेबलस्पून ऑयल। अब हम जब चिकन को फ्राई करेंगे तो हमें सारा मसाला नहीं लेना है, मसाले को अंदर ही रखना है, बस हमें चिकन के पीसेस को फ्राई करना है। जब तक हमारी चिकन फ्राई होती है हम राइस को बॉईल करेंगे। मैंने राइस के लिए ऑलरेडी पानी बॉईल किया है, इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून ऑयल और कुछ ऐड करेंगे हम गरम मसाला, जिसमें है काले मिर्च, इलायची और एक दालचीनी का टुकड़ा, सॉल्ट टू टेस्ट। इसमें ऐड कर रही हूँ मैं ज़ीरा। मैंने यहाँ पर 1 किलो चावल लिए, जिसको मैंने वॉश करके 1/2 आवर के लिए सोक किया था पानी में। हमारी चिकन भी एक साइड से फ्राई हो गई है, हम इसको अब पलट देंगे, दूसरी साइड से भी हमें अच्छे फ्राई करना है। ये देखिए मैंने यहाँ पर एक कोल का टुकड़ा रखा है गर्म होने के लिए, इसको हम लास्ट में चिकन को हम एक स्मोकी फ्लेवर देंगे, जिससे हमारा राइस और चिकन बहुत ही टेस्टी होगा। अब हम चेक करेंगे हमारा चावल 70% बॉईल होना चाहिए। ये देखिए चावल टूट रहा है, हमारा चावल अच्छे से बॉईल हो गया। अब हम इसका पानी ड्रेन करेंगे। चलिए हमारी चिकन भी फ्राई हो गई है, हमें चिकन को 80% तक फ्राई करना है, बाकी 20% हम इसको राइस के साथ कुक करेंगे। हम इसे निकाल के साइड करेंगे और बाकी जो हमारी चिकन है उसको सेम प्रोसेस से बनाएंगे। अब हम इसे चॉप करेंगे, जिसमें मैंने लिया है फ्रेश धनिया, मिंट है और कुछ ग्रीन एंड रेड चिली है। इसको इन सब को हम कट करके रखेंगे, जो हमें राइस के लिए काम आएगी।
चलिए ये चिकन भी फ्राई हुई, हम इसको भी निकाल के इसी में रखेंगे। और जो पैन है उसमें हम थोड़ा ऑयल ऐड करेंगे और जो हमने मसाला बचाया है उसको हम इसमें डाल के अच्छे से भून लेंगे। मसाले को अच्छे से भूनने के लिए हम फ्लेम को हाई करेंगे, हमें इसे हाई फ्लेम पर ही भूनना होगा। ये देखिए अच्छे से भून गया। मैंने यहाँ पे दो टमाटो की प्यूरी बनाई थी जिसको मैं इसमें डाल के अच्छे से मसाले और टमाटो को भून लेंगे। देखिए कितने अच्छे से मसाला तैयार हो गया है। अब जो हमने चिकन फ्राई किए थे हम इसको इसमें डाल देंगे। यहाँ पे बीच में मैं रख रही हूँ एक फॉइल का टुकड़ा जो हमने कोयले को गर्म किया है, हम इसको इसमें रख कर इसके ऊपर से ऑयल डालेंगे और इसे कवर करके 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। मैंने फ्लेम को बंद कर दिया है। जिस पॉट में हमें बिरयानी को तैयार करना है, कुक करना है, उसमें हम थोड़ा ऑयल डालेंगे और नीचे बॉटम में एक लेयर राइस की डालेंगे जो ना ज़्यादा हो ना कम हो। इसमें से कोल को रिमूव करेंगे और हम इस राइस के ऊपर हाफ चिकन को डालेंगे। जो हमने धनिया और मिंट को चॉप किया था वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा लेमन जूस डाल रही हूँ, तेज पत्ता ऐड कर दिया। ये ब्राउन अनियन है यानी कि बिरिस्ता, वो भी मैंने थोड़ा डाल दिया। अब हम ऊपर से चावल की एक लेयर लगा देंगे। तो इसके ऊपर हम डालेंगे ऑयल और थोड़ा येलो फूड कलर। अब इसके ऊपर हम चिकन को डाल देंगे, चिकन मसाला सब कुछ इसके ऊपर ही ऐड कर देंगे। धनिया मिंट ये सब हम पहले जैसा ही इसको कर देंगे, डालेंगे ऊपर और लास्ट लेयर हम इसके ऊपर राइस की डाल देंगे। इसके ऊपर मैंने डाला है थोड़ा ऑयल, लेमन जूस, ये हम डालेंगे फूड कलर। फिर ये जो बचा है चॉप किया हुआ धनिया मिंट ये सब कुछ इसके ऊपर डाल देंगे। अब हम इसको कवर करके 20 से 25 मिनट के लिए लो फ्लेम पर इसे कुक करेंगे। 25 मिनट हो गए, हम चेक करेंगे कैसे बनी है हमारी बिरयानी। तो देखिए माशाल्लाह परफेक्टली कुक हो गई है। तो कैसी लगी आज की रेसिपी आपको मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, स्पाइसी है, जो स्पाइसी खाते हैं उनके लिए ये परफेक्ट रेसिपी है। आप लोग इसमें स्पाइसेस का कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। जो मेरे चैनल पर न्यू यूज़र्स है प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल और इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप लोगों को रेसिपी पसंद आए मेरी तो आप अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। और थैंक यू सो मच आप सब के लिए जो मेरी वीडियो को देखते हैं उन सब के लिए थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेसिपी लेकर आऊँगी। तब तक अपनी दुआओं में याद रखिए, अल्लाह आप सबको खुश रखे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।